आज संडे है, क्या बनाऊं? क्या यही सोच रहे हैं आप? तो हेलो एंड वेलकम टू फ्लेवर्स ऑफ माय किचन। तो आज मैं आप सभी के साथ में लाई हूँ शेयर करने के लिए सुपर इजी, वेरी टेस्टी एंड झटपट बन जाने वाली इंस्टेंट कोलकाता स्टाइल एकदम बिरयानी बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी और अमेजिंग होती है। तो चलिए बिना देर के हुए हम ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, इसे कर दीजिएगा शेयर अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए फटाफट हम ये टेस्टी बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। तो कोलकाता स्टाइल एकदम बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसके चावल बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ था, जिसमें मैं डाल रही हूँ एक दालचीनी का टुकड़ा, दो लौंग और एक बड़ी इलायची। साथ में मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच नमक। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है बिरयानी राइस, लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस ली है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर सोक करने के लिए पहले से रखा हुआ था। और इसको मैं अच्छे से पका लूंगी। तकरीबन यहाँ पे आपको चावल को 90% तक कुक कर लेना है। तो यहाँ पे चावल हमारी हो चुकी है, अब मैं इसको छान लेती हूँ और छान कर इसका चावल अलग कर लूंगी। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ कि चावल का जो पानी है आपको पूरा फेंकना नहीं है, थोड़ा सा मतलब 1 कप के जितना आपको रख लेना है, आगे काम आएगा। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 4 अंडे लिए हुए हैं और 4 ली हुई है आलू। तो कोलकाता स्टाइल बन रही है इसलिए आलू डल रहा है, अगर आपको आलू नहीं पसंद है तो आप ना डालें। तो आलू और अंडे को मैंने उबाल कर रख लिया था, इसमें मैं थोड़ा सा ज़ाफ़रानी रंग से इस तरह से इसको मैरिनेट कर दे रही हूँ, जिससे कलर बड़ा प्यारा आ जाता है। तो अब मैंने यहाँ पे ली हुई है कढ़ाई, जिसमें मैंने डाले हैं 4 बड़े चम्मच ऑयल, और इस ऑयल में मैं डाल रही हूँ 1 कटी हुई बारीक प्याज, जिसको मैंने स्लाइसेस में काटा है, वो डालकर फ्राई कर लूंगी। और प्याज को गोल्डन ब्राउन कर निकाल लेना है। तो प्याज यहाँ पे हमारी बहुत अच्छी सी गोल्डन ब्राउन सी हो गई है, इसको मैं निकाल ले रही हूँ और निकाल कर साइड पर रख ले रही हूँ। अब यहाँ पे सेम उसी ऑयल में, और ऑयल आपको नहीं डालना है, आलू और अंडे डाल दें, जिसको आपने थोड़ा सा ज़ाफ़रानी रंग लगा कर रखा था, वो डालकर पहले अच्छे से फ्राई कर लें। जब तक आलू और अंडे पे मार्क्स नहीं आए तब तक आप इसको फ्राई कर लें। तो यहाँ पे देख सकते हैं सुनहरा सा कलर आ गया इनके ऊपर, इसको भी मैं निकाल ले रही हूँ। और अब चलिए बढ़ते हैं बिरयानी बनाने की तरफ। तो यहाँ पे उसी ऑयल में वापस से मैंने फिर बताया आपको ऑयल नहीं डालना है, 1 चम्मच डाल रही हूँ खड़ा जीरा, क्रैकल हो जाने दूंगी इनको। तो यहाँ पे जब जीरा तड़क गया है तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टमाटर की प्यूरी, ये मैंने घर पे बनाई हुई है, आप चाहें तो रेडीमेड भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको मैं भून लूंगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो बिरयानी बना रही हूँ मैं बिना दही के बना रही हूँ, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर और व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि मैम क्या बिरयानी बिना दही के बना सकते हैं। तो उन लोगों के लिए जिनको दही में नहीं बनानी है बिरयानी, तो वो आप टमाटो प्यूरी यूज कर बना सकते हैं। तो अब मसाला भुन ही रहा है, तो यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ 1 बड़े चम्मच नमक, 1 बड़े चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ मैं, 1 बड़े चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर। नमक और मिर्ची जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़े चम्मच बिरयानी मसाला पाउडर। बिरयानी मसाला पाउडर ये हमारा होममेड है और इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड की हुई है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगी इसका, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो इस मसाले को बहुत अच्छे से भून रही हूँ मैं, तकरीबन 2 मिनट हुए हैं और ये मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भुन रहा है, देखिए ऑयल सरफेस पे आने लगा है। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ तली हुई प्याज, जो मैंने पहले फ्राई कर कर रखी थी, साथ में मैंने थोड़ा पानी डाला है। तो याद रखिए मैंने आपको बताया था कि चावल का जो पानी है ग्रेवी बनाते टाइम भी आपको वही पानी यूज़ करना है। तो पानी डालने के बाद में इस मसाले की कंसिस्टेंसी देखिए बहुत अच्छी हो गई है, थिक हो गया है हमारा मसाला भी। तो अब मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ हमारे फ्राई किए हुए आलू और अंडे, और इस मसाले में आपको इस आलू और अंडे को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक बहुत अच्छे से भून लेना है। और जैसे जैसे ये भुनती जाएगी आप देखेंगे कलर इनका बड़ा प्यारा सा आ जाएगा, मसाला भुन भी जाएगा और ये रिड्यूस हो जाएगा। तो अभी हमें और पानी डालना है, तो तकरीबन 1 कप के जितना मैंने आपको बताया था वो सारा पानी मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। अभी हमें इस ग्रेवी में इस आलू और अंडे को थोड़ा सा कुक कर लेना है, क्योंकि आलू अभी बॉयल्ड है, अंडे तो बॉयल है ही, तो बस थोड़ा वक्त लगेगा, ज्यादा नहीं, तकरीबन 3 से 4 मिनट और ढक्कन लगाकर इसको मीडियम फ्लेम पे कुक कर लूंगी मैं। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हुए हुए हैं और यहाँ पे ग्रेवी में बहुत अच्छा सा बॉयल आ चुका है, आलू अंडे भी टेंडर हो चुके होंगे, अंडे के अंदर भी मसाले वगैरह सब जा चुके होंगे, नमक वगैरह। तो अभी हमें क्या करना है कि इस ग्रेवी में से आलू और अंडे को बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है इनको बाहर। अब यहाँ पे जो ग्रेवी बची है हमारी, उसको मैं थोड़ा सा चला ले रही हूँ एक बार, फ्लेम को बिल्कुल सिम कर दे रही हूँ मैं, और अभी हमें इसमें लेयरिंग करनी है। तो सबसे पहले ग्रेवी में डालूंगी बचा हुआ जो प्याज था ना, वो गोल्डन ब्राउन, वो डाल दे रही हूँ थोड़ा सा, और उसी के ऊपर मैं डाल दूंगी हमारे सारे पके हुए चावल। ठीक है, चावल डाल दिया है, उसके बाद में मैं इसके ऊपर डाल दे रही हूँ हमारे अंडे जो हमने निकाल कर रखे थे। सबसे ऊपर लेयरिंग लगानी है आपको अंडों की और आलू की, उसके ऊपर ही मैं थोड़ा सा जो बचा हुआ प्याज और था वो डाल दे रही हूँ।
तो बस अब हमारी लेयरिंग हो गई है बिल्कुल कंप्लीट। तो यहाँ पे बस अच्छे फ्लेवर और कलर के लिए क्योड़ा और रोज़ वाटर को मैंने आधे आधे चम्मच लिया हुआ है, और इसमें मैं डाल रही हूँ बिल्कुल एक पिंच ऑरेंज फूड कलर, और वो मिक्स को मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। ढक्कन लगा दूंगी, और फ्लेम तो आपको मैंने बताया है कि बिल्कुल स्लो है, और स्लो फ्लेम पे इसको मैं 10 मिनट तक दम दे दूंगी। 10 मिनट के बाद में आपकी ये सुपर टेस्टी और झटपट बन जाने वाली ये एकदम बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और इस बिरयानी में हमारे दम बहुत अच्छा आ चुका होगा। ढक्कन हटाने वाली हूँ मैं। अब देख सकते हैं स्टीम कितनी प्रॉपर आई है, और बस लाजवाब टेस्टी सी हमारी खुशबूदार चावल वाले ये अंडे आलू की कोलकाता स्टाइल एकदम बिरयानी हो गई है बनकर बिल्कुल तैयार। तो देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। आप देख सकते हैं चावल के एक एक दाने बिल्कुल खिले हुए हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको इसको चलाकर भी दिखा रही हूँ, बस सर्विंग के लिए तैयार हो चुकी है। हाँ, तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि इतने चावल और इतने जो मैंने बनाई है, इसमें 4 लोगों के लिए आप बिल्कुल अच्छे से बना सकते हैं। बस इस बिरयानी को आप गर्मा गर्म सैलेड और रायते के साथ में सर्व कर दीजिए अपने गेस्ट के साथ में। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, झटपट बन जाने वाली सुपर इजी और टेस्टी सी अंडे आलू की दम बिरयानी। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे कर दीजिएगा शेयर अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। नए व्यूवर्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियो की सारे लेटेस्ट अपडेट सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचेगी। तो और मैं आपको एक बात बता दूँ कि मेरे चैनल पर अंडे की बिरयानी की बहुत सारी टेस्टी सी रेसिपीज़ अपलोडेड हैं, तो प्लीज़ उन सभी को देखिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आई बटन को दबाकर वीडियोस देख सकते हैं आप। चैनल को विजिट कीजिए, वीडियो ट्राई कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलूंगी मैं ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प रेसिपी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।